नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 में कहानी लेखन का भाग 2 देखेंगे, जिसमें अंदर भी मैं आपको कहानी 2 कहानियां बताने वाली हूँ। आगे के पार्ट में मैंने भी आपको दो कहानी बताई थी, तो यहाँ पर जो बाकी का भाग है इसमें दो कहानी देखेंगे, जिसके इसमें बताया था कि आपको मुद्दों को ध्यान में रखकर कहानी बनानी है। तो यहाँ पर भी है कुछ मुद्दे हैं कि एक गांव के बाहर रास्ते में एक पत्थर, लोगों को उससे चोट लगना, किसी का उसे न हटाना, भला बुरा कहते आगे बढ़ना, एक किसान का आना, पत्थर हटाकर दूर रखना, पत्थर के नीचे रुपयों की थैली मिलना, चिट्ठी, पत्थर हटाने का इनाम, परिणाम और बोध। है ना, ये मुद्दों को पढ़कर ही आपको समझ में आ गया होगा कि पूरी कहानी में क्या है। तो आपको कहानी लिखनी है यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको आगे भी बताया था कि आपको शीर्षक का जो है वो जगह, आपको जैसे कि आपको मुद्दों को ध्यान में रख के शीर्षक अगर समझ में आ जाता है तो आप पहले लिख सकते हो, अगर नहीं समझ में आता है तो आप बाद में भी लिख सकते हो। देखिए यहाँ पर, हरिपुर नामक एक छोटा सा गांव था। देखिए, हरिपुर नाम नो एक नानकड़ू गांव हतु। गांव के बाहर एक रास्ता था। रास्ते के बीच में एक बड़ा सा पड़ा हुआ था। लेकिन गांव नी बार जतो एक रस्तो हतो, जे रास्ता नी ऊपर एक मोटो पत्थर पड़ो हतो। रास्ते से कई लोग गुजरते थे अने ए रस्ता पर घना लोग सफर करी रहा हता, पसार थता हता। उनमें से कई लोगों को उस पत्थर की ठोकर भी लगी। बराबर, ए रस्ता पर थी जवाना लोगों ना पग में ठोकर पण वागी, परंतु कोई तेनी तरफ ध्यान आप्यो नहीं। ठोकर लगने से कई नीचे गिरे और कईयों को चोट पण आई। उन्हें कह बराबर, ठोकर लागवाथी केटलाक लोग नीचे पण पड़ा था अने केटलाक ने वाग्यो पण हतो, पर उनमें से किसी ने भी पत्थर रास्ते से उठाकर एक तरफ नहीं रखा। परंतु ए जेने वाग्यो हतो ए लोगोए पण एवुं नहीं थयुं के पत्थर उचकीने साइड पर मूकी सके, बराबर बीजी बाजू रस्तानी किनारे मूकी सके, एवं कोई पण कर्यु नहीं। गांव के ये आलसी लोग पत्थर रखने वाले को बुरा भला कहकर आगे बढ़ जाते। तेओ एटला आळसू हता, एमने वागवा छता पण तेओ ए पत्थर मूकनारने गमे तेवा शब्दों बोलता, परंतु तेमने एवं नहीं थतुं के तेओ पत्थर उचकीने किनारे मूकी सके। बराबर, तेओ गमे तेवुं बोलता अने आगळ वधी जता। एक दिन उस रास्ते से एक गरीब किसान गुजरा अने एक दिवस शुं थाय छे, एज रस्ता परथी एक गरीब खेडूत त्यांथी पसार थाय छे। उसको भी पत्थर की ठोकर लगने ही वाली थी, पण एने पण पत्थर की ठोकर वागवानी ज हती हजी, परंतु क्या होता है, परंतु वह बच गया। बराबर, परंतु ते बची जाय छे। उसने सोचा कि रोज न जाने कितने लोगों की इसकी ठोकर लगती होगी। बराबर, तेणे विचार्यू कि आ पत्थर रस्ता में पड्यो छे, खबर नहीं केटलाक लोगों ने आ पत्थर नी ठोकर वागती हसे, इसे रास्ते से हटा देना चाहिए अने आने रस्ता थी आपणे हटावी देवो जोईए। फिर उसने जोर लगाकर पत्थर हटाया और रास्ते के किनारे रख दिया। बराबर, एक पत्थर खूब वजनदार होय छे, परंतु ते गमे तेवी कोशिश करीने तेने जोर लगावीने पत्थर ने रस्ताना किनारे मूकी आवे छे। पत्थर के नीचे एक छोटा सा गड्ढा था अने जारे पत्थर हटावे छे, गड्ढा एटले के खाड़ो, ए पत्थरनी नीचे एक खाड़ो तेने देखाय छे। उसमें एक थैली रखी हुई थी अने खाड़ानी अंदर एक थैली मुकेली हती। किसान ने वह थैली उठा ली, उसमें एक चिट्ठी और कुछ रुपये थे। जारे खेडूत ए थैली उठावे छे, बराबर हाथ में ले छे, त्यारे एनी अंदर एने एक चिट्ठी पण मळे छे। उसमें एक चिट्ठी और कुछ रुपये थे अने एनी अंदर एक चिट्ठी अने केटलाक रुपया हता। चिट्ठी में लिखा था पत्थर हटाने का इनाम अने चिट्ठी नी अंदर लख्यु हतु के पत्थर हटावा माटेनु इनाम। जब गांव के लोगों को इस बात का पता चला तो उन्हें अपने आलस्य पर खूब पछतावा हुआ। बराबर, एकाएक आ खबर जे छे आखा गाम में फैलाई जाए छे, त्यारे लोकोने खबर पड़े छे अने एमनी जे आळस हती तेमनी पर एमने खूब शरम अने पछतावो अनुभवाय छे। बराबर, तेओ विचारे छे कदाच ए पत्थर मैं हटाव्यो होते तो मने ए इनाम मने मळत। बराबर, परंतु हवे पछतावाती कई थाय नहीं। बराबर, तो आ जे वार्ता छे एनी परथी आपणने शीख मळे छे के परिश्रम और परोपकार का फल अच्छा ही होता है। बराबर, यानी कि हवे एने
पत्थर वाग्यो तो नहीं हतो, परंतु तेने विचार्यू कदाच कोई ने वागी जाए तो, बराबर। अने एवुं ज विचारीने ने पत्थर जे छे एने किनारे मूक्यो, बराबर। तेने अने पत्थर खूब वजनदार हतो, तेने किनारे पर लई जवा माटे परिश्रम पण करवो पड्यो, बराबर। तो अहीं शीख मळी शके के परिश्रम अने परोपकार, बीजानुं भलुं ईच्छवाथी, परोपकार एटले बीजानुं सारुं ईच्छवुं, बराबर। अने पोतानो एनी अंदर कोईपण लाभ जोवो नहीं, तेने तमे परोपकार कही शकशो। तो परिश्रम अने परोपकारनुं फळ हमेशा सारुं ज मळे छे, बराबर। तो आखी वार्ता परथी समझाई गयुं हशे के तमने आनो आपणे शीर्षक अने टाइटल शुं आपवुं, बराबर, एनुं मथाड़ू शुं आपवुं। तो अहीं आपी शकशो तमे के पत्थर हटाने का इनाम, पत्थर हटाने का इनाम, अर्थात पत्थर हटावा माटेनो इनाम। यहाँ पर आपकी आज की पहली कहानी जो है वो समाप्त होती है। अब हम दूसरी कहानी देखेंगे। दूसरी कहानी के मुद्दे हैं यहाँ पर, देखिए। एक लड़का रेल लाइन के किनारे किनारे जाना, एक जगह उखड़ी हुई रेल की पटरी देखना, गाड़ी के पटरी से उतरने की आशंका, दूर से आती हुई गाड़ी दिखाई देना, अपना लाल कमीज उतारना, गाड़ी पास आने पर कमीज लहराना, गार्ड द्वारा गाड़ी रोकना, लड़के को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करना, और अंत में है सीख, बराबर। तो ये सारे मुद्दे पर से हम कहानी बनाएंगे। देखिए, प्रकाश नाम का एक लड़का था। प्रकाश नाम नो एक छोकरो हतो। उसके स्कूल का रास्ता कुछ दूर तक रेल लाइन के पास से होकर जाता था। अने एने जे स्कूल जवानो रस्तो हतो ते रेलवे नी जे लाइन होय छे तेनी पासे थी थईने जतो हतो। एक दिन उस रास्ते से गुजरते समय प्रकाश एक जगह ठहर गया। शुं थाय छे, एक दिवस ए रस्ता परथी जतो हतो, पसार थई रह्यो हतो, तो त्यां जुए छे अने त्यां ऊभो रही जाय छे। वहाँ रेल की पटरी उखड़ी हुई थी अने एनुं अचानक ध्यान जाय छे कि जे रेलवे नी जे लाइन हती ते उखड़ी गई हती, बराबर। वहाँ से जाने वाली रेलगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर कर नीचे गिर सकते थे, बराबर। अने जोई छे कि जे रेलवे नी जे पटरी हती, जे रेलवे नी जे लाइन हती ते उखड़ी जवाना कारणे जो त्यांथी जो रेलवे पसार थाय तो ते आखी लाइन परथी नीचे उतरी सके, बराबर, अने दुर्घटनानी संभावना होई सके, बराबर। प्रकाश अभी यह सोच ही रहा था कि उसे एक रेलगाड़ी दूर से आती हुई दिखाई पड़ी, बराबर। अजी प्रकाश आज विचारी ज रह्यो हतो कि आवुं थई सके, आवी घटना घटी सके, तो अजी विचारी रह्यो ज हतो कि सामेथी एक रेलगाड़ी आवती दिखाय छे। उसने फौरन अपनी लाल रंग का कमीज उतारी, बराबर, अने तेरे तरत ज એ ગભરાતો નથી, પરંતુ યુક્તિ એને સૂઝી આવે છે અને તે શું કરે છે, પોતે જે લાલ રંગની જે શર્ટ પહેરી હતી તે ઉતારે છે અને વહ અપની લાલ કમીજ લેકર પટરી પર ખડા હો ગયા। તે શું કરે છે, પોતાની લાલ રંગની જે શર્ટ હતી તે લઈને એ રેલવેની વચ્ચે, રેલવે લાઇનની વચ્ચોવચ ઊભો રહી જાય છે ઓર ઉસે લાલ ઝંડી કી તરહ પહેરાને લગા। અને એ લાલ રંગનો જે શર્ટ છે, લાલ રંગ આપણને થોભવાનો સૂચન આપે છે, બરાબર। એટલા માટે તે એ એક લાલ ઝંડીની જેમ જ તેને લહેરાવવા માંડે છે। રેલ કે ડ્રાઈવરને દૂરથી ઉસે દેખા ઓર ગાડી રોકતી, રેલવેને જે ડ્રાઈવર હોય છે તે દૂરથી જોઈએ છે અને પોતાની જે ટ્રેન જે એટલે કે ગાડી જે છે એ રોકી દે છે। એક બડી દુર્ઘટના હોતે હોતે બચ ગઈ અને એક મોટી દુર્ઘટના થતાં બચી ગઈ, કેમ કે રેલવેની અંદર તો હજારો લોકોની સંખ્યા સફર કરતી હોય છે। गार्ड ने प्रकाश के साहस और उसकी सूझबूझ की बहुत प्रशंसा की। तो गार्ड जी छे ते त्यांथी उतरीने आवे छे अने प्रकाश थी ए बधी घटनानी जाण ले छे अने तेनी खूब अने तेनी सोच समझनी ए खूब प्रशंसा अने तारीफ करे छे। उसने कहा, मैं राष्ट्रपति को पत्र लिखकर वीरता पुरस्कार के लिए तुम्हारे नाम की सिफारिश करूँगा, बराबर। ते कहे छे के जे आपणा राष्ट्रपति छे तेमने पत्र लखीश अने तने वीरता पुरस्कार आपवा माटेनी सिफारिश करीश। 26 जनवरी को राष्ट्रपति ने उसकी वीरता के लिए उसे पुरस्कार से सम्मानित किया अने 26मी जानुआरी ना दिवसे राष्ट्रपति जे छे तेमने तेने वीरता माटेनो पुरस्कार थी एने सम्मानित करवामां आव्यो। तो सीख इससे मिलती है कि संकट के समय साहस और सूझबूझ से काम लेना चाहिए, बराबर। अपना जीवन में पण संकट आवता होय छे, मुश्किली आवती होय तेमे आपणे एनाथी गभरावुं जोईए नहीं, परंतु हिम्मत अने सोच समझथी कार्य करवुं जोईए, बराबर।
तो ये पूरी कहानी पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि इसका हमें टाइटल क्या देना है, जिसका टाइटल होगा बालक की सूझबूझ। तो आज की ये जो कहानी का दूसरा भाग और उसमें दूसरी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।